रामनगरी अयोध्या में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है, जिसको लेकर अयोध्या के एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि सभी के चेहरे पर मास्क अनिवार्य रहेगा। जिसके चेहरे पर मास्क नहीं होगा उसका चालान किया जाएगा। इसके साथ ही सभी लोग अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें। जो भी कोविड 19 का पालन नहीं करेगा वो संक्रमित हो सकता है, इसलिए बचाव ही दवा है। जैसा कि हम सभी अवगत हैं, कोविड की सेकेंड वेव में नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए जो अभी जिलाधिकारी महोदय ने बताए हैं वो निर्णय लिए गए हैं, इनको एनफोर्स कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से तत्पर रहेगी। मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि अयोध्या के धार्मिक क्षेत्र में बिना कोविड टेस्ट रिपोर्ट के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी, इसके लिए हर तरफ से आने वाले रास्तों पर बैरियर लगा के चेकिंग कराई जाएगी, और जो कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट देंगे उन्हीं को धार्मिक क्षेत्र में एंट्री मिलेगी। साथ ही साथ जितने होटल, ढाबे, सराय और आश्रम हैं इनको भी निर्देशित किया गया है कि ये भी बिना कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट के किसी को अपने यहाँ रुकने न दें। पुलिस के द्वारा इसकी चेकिंग भी कराई जाएगी। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, निर्धारित सीट से ज्यादा सवारी नहीं बैठा सकेंगे। बताया कि अयोध्या में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि अब उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन के साथ साथ अयोध्या में रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाए।